नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद ही सुंदर सकुलेंट प्लांट के बारे में बात करूँगी, और वो प्लांट है ये जेट प्लांट। दोस्तों, ये जितना सुंदर सकुलेंट प्लांट है उससे भी ज़्यादा इसके फायदे हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार इसे घर में लगाने के बाद आपको इसकी सालों साल कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब मैं इसे लेकर आई थी तो इसकी कितनी छोटी सी कटिंग अपने गार्डन में लेकर आई थी, और आज देखिए ये प्लांट कितना घना और कितना बुशी हो चुका है। इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए भी सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। जो लोग हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए शौकीन होते हैं वो अपने गार्डन में इसे जगह दे सकते हैं। जब सबसे बड़ी बात, इसे कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैंने इसे लगाया, मुझे इसे लगाए 1 साल हो गया, लेकिन मैंने इसे किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, किसी भी प्रकार की विशेष केयर नहीं दी है। ये खुद ब खुद ही इतना घना और बुशी होता जा रहा है। इसलिए अगर आप भी अपने गार्डन को हरा भरा करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी केयर के, तो इस बेस्ट सकुलेंट प्लांट को अपने गार्डन में जरूर जगह दें। इसकी प्रोपगेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। छोटी सी डंडी भी आप कहीं से काट कर लाकर लगाएं तो वो बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, रेनी सीजन में इसे लगाने से बहुत तेज़ी से फैलता है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये लो मेंटेनेंस प्लांट तो है ही, दूसरा इसकी प्रोपोगेशन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसकी जड़ें देख रहे होंगे, देखें एक मिनट, ये देखिए, ये इसकी ये जड़ें रेनी सीजन में जब ये एक एक रिपोर्ट में रहता है, इसकी ये जड़ें खुद ब खुद निकलने लगती हैं। ये जड़ें आपको मिट्टी में भी नहीं दिखाई देंगी। देखिए, चूँकि ये पॉट से टच हो रहा था इसलिए इसकी जड़ें खुद ब खुद बनने लगी। जहाँ आप कहीं से कटिंग लेकर आएँ तो इस तरीके से आप इसे उठा कर देखें। अब जड़ वाले हिस्से से जब आप इसे काट कर लगाएंगे तो इसका ये आसानी से चल जाएगा। इस तरह से इसकी रूट्स नीचे ही नीचे बनती रहती हैं, इसलिए इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसलिए मैं कहती हूँ ये बहुत लो मेंटेनेंस वाला बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है। हैंगिंग बास्केट लगाने के साथ साथ जो लोग बॉन्साई बनाने के शौकीन होते हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। जब हम बॉन्साई बनाने की शुरुआत करते हैं, जो लोग बिगनर्स होते हैं जैसे कि मैं, उन सब के लिए ये बॉन्साई बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। देखिए, इसकी इस तरह की मोटी मोटी ये स्टेम्स होने लगती हैं। इनका बॉन्साई बेहद ही खूबसूरत बनता है। आपको कहीं से भी एक स्टेम कटिंग करनी है इस तरह की, और आप उसे बॉन्साई बनाने के लिए चुन सकते हैं। इसका बॉन्साई बेहद ही खूबसूरत बनता है, इसलिए जो लोग बॉन्साई बनाने के शौकीन होते हैं वो भी इस प्लांट को अपने घर में जगह दे सकते हैं। ये एक बहुत ही हरा भरा और मन को सुकून देने वाला प्लांट है। चाइनीज वास्तुशास्त्र में इसे सबसे अच्छा प्लांट माना जाता है। ये घर में बहुत शुभ माना जाता है। चाइनीज वास्तुशास्त्र में आप इसे अपने घर के एंट्रेंस पर राइट साइड में लगाइए। चाइनीज वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने इसे काम धंधे वाली जगह पर, ऑफिस में जहाँ पैसों की कमी हो, वहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसा हालांकि मैंने अपने यहाँ नहीं देखा, लेकिन चाइनीज वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे बहुत लकी माना जाता है। इसलिए जो लोग वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं वो तो इस प्लांट को अपने घर में जरूर लगाएं। ये बहुत ही शुभता देने वाला प्लांट माना जाता है। इसे बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। दोस्तों, जब जो प्लांट इतना लो मेंटेनेंस वाला है, जिसे किसी केयर की जरूरत ही नहीं पड़ती, सालों साल एक पॉट में रह सकता है, जिसे किसी तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे प्लांट्स को हमें अपने घर में जरूर जगह देना चाहिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं मई या जून की, उस समय इसकी पत्तियाँ थोड़ी पीले होने लगती हैं, ब्रांचें थोड़ी लैगी होने लगती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही रेनी सीजन आता है, अब तापमान थोड़ा कम होता है, इसकी न्यू न्यू स्टेम्स निकलने लगती हैं, न्यू न्यू जड़ें निकलने लगती हैं, और ये बहुत ज़्यादा घना और बुशी होने लगता है। इसलिए कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता। आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप में आराम से रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन ये दोस्तों, ये इंडोर प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे लाकर इंडोर भी लगाया था, लेकिन वहाँ इसकी सारी पत्तियाँ पीली होकर गिर गई और लैगी होकर झड़ने लगी। अगर आपको इसे इंडोर भी रखना है तो वहाँ रखिए जहाँ आप किसी खिड़की पर रख सकते हैं, खुली हवा आती हो, ब्राइट लाइट आती हो, वहाँ ये फिर भी चल सकता है। लेकिन प्रॉपर इंडोर तो ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इसलिए आप इसे इंडोर लगाने की गलती तो बिल्कुल ना करें। मेरा ये टेरेस पर पड़ा है और इसे पूरे दिन की फुल धूप मिलती है। यहाँ तक कि मई या जून की 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये फुल धूप में पड़ा था। उसके बाद भी आप इसकी ग्रोथ देखिए कितने कमाल की है। इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता ये इंडोर प्लांट है। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा बुशी होता जाएगा। मैं इस प्लांट को एक बॉन्साई भी ज़रूर बनाऊंगी, और हैंगिंग बास्केट में भी मैंने कई जगह अपने ये प्लांट लगा रखा है। दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है। आप लोग इसे अपने घर में जरूर
जगह दीजिएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।